नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल मास्टर राजेश को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें। नमस्कार साथियों, आज मैं ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं कि जिसे हम खो देते हैं या जो समय हमारे से बिछुड़ जाता है उसको हम बहुत याद करते हैं। जैसा कि आपने कई लोगों को सुना होगा कि वे सदैव कहते रहते हैं कि मुझे बचपन के वो दिन लौटा दो मुझे बचपन के वो दिन। क्या बचपन के दिन इतने हसीन थे? क्या इतने वो शानदार थे? क्या वास्तव में ऐसा होता था? नहीं, परंतु सपने दिखते हैं। आज सदैव कठिनाइयों और जुझारू प्रवृत्ति का होता है। जब हम बचपन में थे, बचपन में हमें लगता था कि हम कब बड़े होंगे, बड़े होंगे तब हम ये कर लेंगे, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं होगी, हम अपने विवेक से चलेंगे। जब बड़े होते हैं तो फिर वही कि मुझे लौटा दो बचपन के वो दिन। बचपन की कैसे दिन होते हैं, जरा मेरे नजरिए से देखें और महसूस करें। बचपन में सपने बहुत आते हैं, ऊंचाइयां छूने के, एक दूसरे से मनमुटाव के छोटे बच्चों में आपसी झगड़े होते हैं और वो खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और नाराज भी जल्दी हो जाते हैं, इसलिए वे सदैव प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उनके मन में कोई पाप नहीं होता है, पल में खुशी पल में गम वाला माहौल होता है। एक बच्चा होता है जो 5 साल का हो और उससे बड़ा लड़का 8 साल का, वह उसको डांटता है, डराता है और उस छोटा बच्चा जो 5 साल का है वो सपना देखता है, बस केवल 5 साल इंतजार करना है, 5 साल और मैं इससे बड़ा हो जाऊंगा, 10 साल का हो जाऊंगा और मैं इसको सीधा करके बताऊंगा। क्या होगा वो बड़ा? बिल्कुल होगा, परंतु उसके विचार उतने ही होते हैं। वो ये नहीं सोच पाता कि मैं तो बड़ा हो जाऊंगा, क्या वो नहीं बड़ा होगा? फिर भी वो खुश हो जाता है कि नहीं, केवल 5 साल में इंतजार है, फिर मैं इसको सीधा कर लाऊंगा। क्या हम ऐसी खुशी चाहते हैं? जीवन में हर जगह खुशियां होती हैं, देने वाला होना चाहिए। दुखी इंसान का जीवन दुख भरा ही रहता है क्योंकि वह सदैव दुख को ही ढूंढता रहता है और जहां जाओ वहां पर बुराइयां निकालता रहता है। इसलिए कभी ये मत कहो कि मुझे बचपन के दिन लौटा दो या मैं बड़ा हो जाऊं वो करूं। नहीं, जो आज है उसे मैं बेहतर करूं, यही तमन्ना दिल में रखो और ऊंचाइयां छूने का प्रयास करो। यदि हमारे दिल में जज्बा होगा, दिल में आत्मविश्वास होगा तो एक दिन आसमान हमारे कदमों में होगा। बस यही इच्छा रखता हूं कि हम जहां जिए, जहां रहें, उसे दिल खोल कर जिए, अपने स्वाभिमान के साथ जिए, यही दुआ करता हूं।
मेरे YouTube चैनल से जुड़ें और विभिन्न प्रकार की कविताएं सुनने, कहानियां सुनने। मेरे YouTube चैनल को जीवन और अनुभव नाम दिया गया है। आप अपने जीवन, मेरे जीवन में जो मैंने अनुभव किया वो मैं आपके समक्ष सदैव प्रस्तुत करता रहूंगा, ताकि मैंने जो तकलीफें प्राप्त की है वो किसी और को नहीं हो। धन्यवाद साथी।